आगे चलेगी उड़ते ऐसे उस चीज का वेट हो रहा है मेरे अंदर, उस चीज कब हट रहा है, उस चीज एंड अपने हाथों से देखो यूज करो। ठीक, सरप्राइज तो है ही बट मेरे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट भी है चीज ये अपना सी एसोसिएशन एंड ये जस्ट इधर थोड़ा बता है बट ये टाइम वही लेना है मेरे को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग वेल, एब्सोल्युटली फाइन। ये जो इंट्रो है मैं पहले भी ब्लॉग में दे चुका हूं, रूटीन रेगुलर ब्लॉग बना रहा था मैं, बट मैं इतना एक्साइटेड था कि मैंने कुछ इस तरह बोला, ओके डन विद द शूट। एक शूट अभी शूट खत्म करके मैं दादर जा रहा हूं, दादर से होके मेरे को सी एस सी आना है। अभी हूँ कांदिवली में, अभी मुझे ज्वाइन करेंगे दादर में मुस्कान और साहिल, तो ये चीज़ मेरे लिए भी एक सरप्राइज ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये चीज़ प्लान नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बात लेने वाला था बट अभी ले रहा हूँ इन द सेंस चीज़ अवेलेबल नहीं थी, अभी मिला है मेरे को तो चीज़ अभी ले लेना बेटर मेरे को लगा। एज इट इज़ वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग वेल, एब्सोल्युटली फाइन इन योर लाइफ। तो हाईवे में अभी रास्ते में चल रहा हूँ, फिर रिक्शा पकड़ते कांदिवली स्टेशन जाते फटफट पहले। आई नो मैंने बहुत फास्ट बोला, उसके पीछे का कारण यही है कि एक सरप्राइज़ तो है ही बट मेरे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट भी है चीज़, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ट्रेन पकड़ते भागते अरे आ भी गई, बट डरावा लग रहा हो ना, एक बार उधर स्क्रीन पे देख रहा हूँ, एक बार इधर देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ। एक्चुअली वो चीज़ डरावा नहीं है, एक्साइटमेंट गाइस। अगर आपको मेरे को पता है कि कोई मुझे सरप्राइज़ देने वाला है तो वो होता है कि एक चुल मची रहती है कि क्या होगा सरप्राइज़, जानने के लिए एक्साइटमेंट रहता है। बट ये चीज़ मेरे को मालूम, मैं क्या गिफ्ट कर रहा हूँ खुद को एंड क्या सरप्राइज़ दे रहा हूँ, तो वो चीज़ है कि कब हाथ में आए, उस चीज़ का वेट हो रहा है मेरे अंदर, वो चुल मची है कि कब हाथ में आए वो चीज़ एंड मैं अपने हाथों से देखूँ एंड उसको यूज़ करूँ। दादर में तो पहुँच गया बट उन दोनों का वेट हो रहा है, तो अभी ऑलमोस्ट 15 मिनट्स लगेंगे तो पहुँचने के, तो मैं अपना टिकट निकाल लिया एंड जस्ट वेटिंग फॉर देम। आए और एंड फास्ट ट्रेन में हम लोग सी एस टी के लिए निकले। बस मेरे पास दो प्रोफेशनल है अलग अलग फील्ड के, एक बकवास वाला और एक आगे लाल छतरी, एक्सक्यूज मी मैम लाल छतरी लाल नहीं है वो। दो प्रोफेशनल है अलग अलग फील्ड के, एक अकाउंटेंट है और एक बकवास है, और एक था अभी मैं आगे जाके बताता हूँ उसका काम क्या है, उसको क्यों इधर हम लोग ने प्रेजेंट रखा है। ये अपना सी एस सी स्टेशन एंड ये जस्ट इधर बोरा बाजार, ये रोड क्रॉस करते कि। तो अभी हम लोग निषाद कैमरा कॉर्नर, इधर निषाद भाई अपने तू मत शर्मा इतना, ये अपना निषाद भाई का कैमरा शॉप इधर, जो गए टाइम लेने आए थे लिए नहीं थे बट दूसरा कैमरा लेके गए थे, बट ये टाइम वही लेना है मेरे को। टाइम टू से बाय बाय टू दिस, मुझे छोड़ कर से टू बाय कट करना वीडियो में जल्दी की नहीं तो से टू बाय 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 बाय। अनबॉक्सिंग तो मतलब पहले हम लोग ने देख तो चेकअप तो कर लिया पूरा कैमरा का, बट एक ऑफिशियल अनबॉक्सिंग करेंगे अभी। आगे सर अंकल आ गया, हम हमारे नए दोनों को अनबॉक्सिंग करेंगे, निषाद भाई से लेंगे सोनी अल्फा 6300। सबसे पहले सामने अपने बॉडी जो कि एकदम चमक रही है, ये हमारी चौकी भी एकदम दोनों नया नया 1650 जो वाइड 50 mm दोनों, इसको पहनना इसका डिटेल में वीडियो बनाऊंगा बट जो नहीं है आज सोमवार है ना श्रावण, सुबह से एक्साइटमेंट था, मैं एक्साइटेड था, वो हाथ में आ गए जो अभी करेगा इसके साथ घर पे जाके करेगा दंगो के साथ। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस प्लीज़ लेके एक बार शेयर करना है, फिर बंडी करेगा।
अभी इसका एक्सपीरियंस उसका शेयर करेंगे। फर्स्ट टाइम लाइफ में कैमरा यूज कर रही है। झूठ झूठ झूठ। पहले भी ब्लॉग बना चुके मेरे, इसलिए तो वो पार्ट डाला नहीं था अभी। ऑफ कैमरा जो है वो हमारा शेयर करेंगे, इशारा वाला है, चेक करके कैप देखो, ज्यादा ही डिटेल में चेक कर रहा है अच्छे से। देखो इसलिए मैं इसको बोला प्रोफेशनल, इसलिए मैं बोला प्रोफेशनल है। Zero grains. So how is your experience? समझाऊंगा वीडियो में। लाइट कम रहता है ना, जैसे इधर अंधेरा था फोटो में तो उसमें ना थोड़ा मतलब ना वो ग्रेन्स मतलब ब्लर ब्लर आता है, जो ब्लैक फेड आते हैं बचपन की टीवी में, कैसा वो मूंगी मूंगी आता है वैसा फेस पे नहीं आ रहा था, तो उसको ग्रेन्स। सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस? दूर रहे ना, दूर रह के बोल, जूम ही नहीं। हाँ तेरा भी है अगले साल। हाँ नेक्स्ट साल दोनों का साथ में ऐसा रखेंगे। अभी चलेगी उठते ऐसे। तो एक क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं जिस जो कि मुझे कैमरा के साथ मिला है, मेरे को पूरा स्किट एंड प्यारा सा एक, पहले तो सबसे पहले एक बैग मिला है मेरे को, जो कि मेरे को इस तरीके से कुछ अनबॉक्स करके सामान मैं अपना प्लेस कर सकता हूँ सब आगे एक सिप है। इधर मेरे कार्ड्स एंड जो भी ऐसे छोटे मोटे वो इधर आ जाएंगे। बस आगे मैं आपको ये दिखा तो नहीं सकता, बट बस उतना ही है। एंड इसमें वाटर बॉटल प्लेस करने के लिए दिया, आई डोंट नो, बट है इट्स गुड दैट्स इट। मुझे दोनों साइड है, दोनों साइड वाटर बॉटल का जो पॉकेट रहता है ये, बट बैग बहुत ही कंफर्टेबल एंड अच्छा वाला है। थैंक यू निशांत भाई फॉर दिस। एंड जो कि ये है मैंने अलग से बाय कर लिया, क्योंकि एक्सटर्नल जो चार्जर है आपको लगता ही है जब आप सोनी यूज़ कर रहे हो, क्योंकि जो 6300 400 एंड 600 तक है शायद आपको डायरेक्ट चार्जिंग करने का ऑप्शन मिलता है, जो कि इधर से है जो डायरेक्ट चार्जिंग होता है। एंड इस चीज़ में टाइम बहुत वेस्ट होता है, क्योंकि आप बैटरी रिप्लेस नहीं कर सकते, आपको ऑन द स्पॉट चार्ज करना है तो उसमें शूट भी रुक जाता है। उसके लिए EYFI का एक एक्सटर्नल बोल एक्सटर्नल चार्जर अडेप्टर, जो कि डायरेक्ट चार्जिंग चार्जर प्लेस करके एंड ये एक्स्ट्रा एक बैटरी ले लिया, क्योंकि ऑब्वियसली दो बैटरी लगेगा ही कहीं भी, या ब्लॉगिंग करो या फिर कोई भी प्रोफेशनल शूट करो। ये TYFI का एक बैटरी जो कि कुछ इस तरह प्लेस हो जाता है एंड ये चार्ज डायरेक्ट प्लेस होगा। तो इस तरह ये सब जो है मेरे पूरे किट है, जो कि मुझे इसके साथ मिला है, कैमरा लेंस किट लेंस चार्जर एंड एक 4K सैंडिस्क का 64GB का कार्ड। तो ये सब चीज़ें मेरे को मिले हैं, ये सब मैं जो शूट करो या आईफोन में शूट करो, तो मेरे को नहीं चेक अभी इसमें एक बार शूट करके हमारा क्वालिटी चेक करें। तो इसका पूरा एक डिटेल वीडियो में मैं बनाऊंगा, ये जस्ट एक क्विक मेरा एक्सपीरियंस था, जो कि एक मैंने नया कैमरा बाय करने का बनाया। कैमरा स्टार्ट करते कुछ
अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक कैमरा ओनर ही समझ सकते हो चीज। ये कुछ 50 mm पे व्यू है जो कि मैं बहुत सामने हूँ इसीलिए, एंड अगर मैं ब्लॉगिंग करूँ तो कुछ इस तरह व्यू रहेगा। ओके गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ पीला गाड़ी वाला, एब्सोल्युटली फनी इन लाइफ। तो ये जो फ्रेम है मेरा आप देख सकते हो जैसा है। ओके आई डोंट नो ये कैसा लग रहा है ये फ्रेम, बिकॉज एक माइनस पॉइंट है इसमें कि मेरे को इसमें फ्लिप स्क्रीन नहीं मिलेगा जो कि A6400 में है, जो कि ब्लॉगिंग के लिए ऊपर हो जाता है वो चीज़ स्क्रीन का बैक साइड, जो कि 6300 में नहीं होता। अगर मुझे करना है वो चीज़ देखना है, जो व्यू फाइंडर मीन्स एक एप्लीकेशन है सोनी का, जो कि मेरे को मोबाइल पे मैं देख सकता हूँ इसको मिरर करके तो कुछ, बट काफ़ी मेरे को ना सोनी, मैंने कैनन यूज़ किया एंड ये यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी मेरे को वजन लग रहा है, तो वो भी एक हो जाएगा अपना गोत्र हो जाएगा उस चीज़ से भी। तो गाइस ये सादा एंड सिंपल एक सेल्फ गिफ्टेड एक वीडियो था, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। तो आशा करता हूँ ऐसे ही वीडियो में प्यार देते रहेंगे जैसे आपने देते आए हैं। पूरा इधर तक वीडियो को देख लिया हो आपने तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड नीचे लाल बटन जो दिया हुआ है सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड पूरा एक डिटेल वीडियो ऑफ माय सोनी अल्फा 6300 का बहुत ही जल्दी मैं डाल दूंगा। एंड उसके बाद भी मेरा 2 वीडियो रेडी है बट एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा इसीलिए अभी तक अपलोडेड नहीं है, तो जैसे ही टाइम मिलता है मैं अपलोड करते रहूँगा टाइम टू टाइम। सो बस प्यार देते रहिए आप अपना एंड हम ब्लॉग लाते रहेंगे। तो निशात भाई थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग ऑफर, एंड पूरा निशात भाई का मैं क्या शॉप का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप जाके विजिट कर सकते हो या जो भी डाउट है आप क्लियर कर सकते हो। CST शेष अगर मुंबई बेस्ड हो, मुंबई में रहते हो तो CST स्टेशन के कुछ 5 मिनट भी नहीं होगा, तो आप जाके विजिट कर लो तो सबसे ज़्यादा बेटर होगा। तो जो कि मैंने पहला एक्सपीरियंस लिया 5 मंथ्स कैनन M50 यूज़ किया, मेरे को तभी लेना था 6300 बिकॉज ऑफ माई बजट एंड ये अवेलेबल भी नहीं था तभी, तो मेरे को M50 बेटर लगा तभी के लिए, तो उसको यूज़ करके एक्सपीरियंस लेके मैं देन इसमें शिफ्ट हुआ, जो कि मेरा एक्सपीरियंस और नेक्स्ट लेवल है। जस्ट इनकेस अगर आपको डाउट हो तो जाके दुकान में विजिट कर लें या फिर आप ऑनलाइन भी पूछ सकते हो, जो भी डाउट होगा। निशात भाई का इंस्टाग्राम हैंडल भी मैं नीचे लिंक में दे दूंगा। तो इतना आज के लिए बस इतने रखते गाइज, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब। एट द एंड ऑफ द वीडियो गणपति बप्पा मोरया।